अरिहंत की रसोई 100% वेज आज आप सबके लिए एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी, बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही एक पुराना मीठा लेकर के आई है, जो है गुलगुला। हम इसको आज बना रहे हैं आटे और चीनी के साथ। आप चाहें तो उसको गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए, एक ये कटोरी है, इस कटोरी में मैंने आधी कटोरी चीनी ली थी और थोड़े से पानी के साथ उसको भिगो दिया था। ये देखिए, अभी ये पूरी चीनी गली नहीं है, आप देख सकते हैं, ये पूरी चीनी गली नहीं है। और ये इसी कटोरी से मैंने नाप लिया था, ये दो कटोरी आटे का, जो कटोरी अभी मैंने आपको चीनी में दिखाई, ये कटोरी मीडियम साइज़ की कटोरी, इसी कटोरी से मैंने दो कटोरी ये गेहूं का आटा लिया। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी इलायची पाउडर, ये दो चुटकी के करीब। ये दो चुटकी इलायची पाउडर के बाद मैं इसमें मिक्स करूंगी ये चीनी का पानी, चीनी के साथ थोड़ा थोड़ा करके और हाथों की मदद से लगभग 5 से 7 मिनट, या जब तक ये चीनी अच्छी तरह से गल नहीं जाती है, इसको लगातार फेंटते हुए एक गाढ़ा सा बैटर या घोल बनाऊंगी। अगर इतने पानी में हो जाएगा तो ठीक है, और अगर कुछ और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें नॉर्मल पानी ऐड करूंगी। आज मेरे हाथों की बहुत अच्छी कसरत होने वाली है, लेकिन इससे ये बहुत टेस्टी गुलगुले तैयार होंगे हमारे। इसमें देखिए थोड़े पानी की और ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करते हुए इसे लगातार फेंटते हुए एक घोल बनाऊंगी। देखिए 5 से 7 मिनट, जैसा मैंने आपको बताया था, हाथों की मदद से मैंने इसको लगातार फेंटा। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लगातार फेंटने के बाद मैंने इसको 15 मिनट के करीब छोड़ दिया था रेस्ट के लिए। अब मैं इसमें ये 2 बड़े चम्मच कटी हुई गरी और 1 बड़ा चम्मच ये मोटी वाली सौंफ, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये कढ़ाई में एक तरफ ये तेल गरम हो रहा है, वेजिटेबल ऑयल, गैस की फ्लेम मैंने अभी फुल पे कर रखी है, तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए। एक बार मैं इसमें एक गुलगुले डाल दूंगी, फिर गैस की फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दूंगी, जिससे अंदर तक ये गुलगुले अच्छी तरह से पक जाएं। ये तेल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें चम्मच की मदद से ये इस तरह से ये डाल दूंगी। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं, ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे, मीडियम साइज़ के। देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए कैसे फूल रहे हैं सब। अब मैं गैस की फ्लेम स्लो कर दूंगी। ये बिना सोडा डाले हुए भी कितने अच्छे फूल रहे हैं, ये हाथ से फेंटने का कमाल है। इनको दोनों तरफ से उलट पुलट के अच्छी तरह से सेक लेंगे, एक अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, जैसे हम अपनी कढ़ी में पकौड़ियाँ सेकते हैं। अरिहंत की रसोई का मकसद है हर वेज रेसिपी आप तक बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे पहुंचाना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ये देखिए कितने अच्छे ये फूल रहे हैं और कितने अच्छे सिक रहे हैं, ये देखिए ये सिक गए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ये हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं,
जिससे जो एक्स्ट्रा तेल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब कि आप अपने घर आए मेहमानों को एकदम पुराने स्टाइल में सर्व करिए। ये देखिए कितने फूले फूले, कितने अच्छे बने हमारे बिना सोडा का इस्तेमाल करे हुए। ये इसके ऊपर थोड़े से ताजे गुलाब की पंखुड़ियाँ मैं डाल देती हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए। जल्दी आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हेल्थ इज़ हैप्पीनेस। नमस्कार।